जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी 11th वंदे भारत ट्रेन के लॉन्च होने के बाद पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि हमारी 12th वंदे भारत ट्रेन के आने में लगभग 7 से 8 दिन का ही समय लगने वाला है और मात्र 7 से 8 दिन के अंदर में ही आपको 12th वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग होते हुए दिख सकती है। और फाइनली एक बड़ा अपडेट निकल के आ चुका है जो कि हमारी 12th वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड है और ये अपडेट है हमारी 12th वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन का। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये ट्रेन कहां से कहां चलने वाली है, इसका ट्रेन नंबर क्या होने वाला है, इसका टाइम टेबल क्या होने वाला है, कब से इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, सारी चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी 11th वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग हो चुकी है भोपाल से दिल्ली के बीच में और 11th वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग 1 अप्रैल को हुई थी और आज 4 अप्रैल है और मात्र 3 दिन के बाद ही हमारी 12th वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग का अपडेट निकल के आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रूट कौन सा है जिस पर हमारी 12th वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। तो ये रूट है सिकंदराबाद से तिरुपति वाला रूट और इसी रूट पर हमारी 12th वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग हो सकती है। दोस्तों, ये वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद को आंध्र प्रदेश के तिरुपति से जोड़ेगी। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस ट्रेन को कब से इनॉग्रेट किया जा सकता है और ये वंदे भारत ट्रेन एक खास वंदे भारत ट्रेन रहने वाली है जो कि अब तक आपने इंडिया में नहीं देखा होगा कमर्शियल रन में। तो इस वंदे भारत ट्रेन को आने वाले 8 अप्रैल 2023 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया जा सकता है, इसका काफी ज्यादा चांसेस है और टाइम्स नाउ का आर्टिकल भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये पहली वंदे भारत ट्रेन होने वाली है हमारी इंडिया की जो कि 8 कोच के साथ चलने वाली है। जी हाँ, ये ट्रेन एक मिनी वंदे भारत ट्रेन होने वाली है जो कि सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच में ऑपरेट की जाएगी और ये हमारी इंडिया की पहली मिनी वंदे भारत ट्रेन भी होने वाली है। अगर दोस्तों हम सिकंदराबाद से तिरुपति के डिस्टेंस के बारे में बात कर लें तो ये टोटल डिस्टेंस लगभग 660 किलोमीटर का है जिसको अभी जितने भी ट्रेनें चलती है वो लगभग 11 से 12 घंटे में कवर करती है। लेकिन हमारी इस नई वंदे भारत ट्रेन की बात कर ले जिसको इनॉग्रेट किया जा सकता है 8 अप्रैल 2023 को, ये हमारी नई वंदे भारत ट्रेन 660 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 8 घंटे और 30 मिनट यानी कि 8.5 घंटे में ही कवर कर देगी। इस ट्रेन का एवरेज स्पीड 77 किलोमीटर पर आवर रहने वाला है। हालांकि मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड कितना रहने वाला है इसका कोई भी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, जैसे ही कोई जानकारी निकल के आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। अगर इसकी हम हॉल्ट की बात कर ले कि ये ट्रेन कहां कहां हॉल्ट लेने वाली है सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच में, तो ये ट्रेन नालगोंडा, गुंटूर, ओंगले एंड नेल्लोर स्टेशन पर रुक सकती है। हालांकि इनॉग्रल रन में ये ट्रेन काफी ज्यादा जगहों पर रुकने वाली है। तो दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रेन का नंबर और टाइम टेबल के बारे में। तो सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच में चलने वाली ट्रेन का नंबर होने वाला है 20701 जो कि सिकंदराबाद से तिरुपति को जोड़ेगी और ये ट्रेन सिकंदराबाद से सुबह 6 बजे डिपार्चर लेगी। पहला हो नालगोंडा पर लेने वाली है जो कि सुबह 7:19 पर पहुंचेगी और 1 मिनट रुकने के बाद 7:20 पर नालगोंडा से निकलेगी। दूसरा होल्ट एक गुंटूर पर लेने वाली है जो कि ये ट्रेन 9:45 पर पहुंचेगी और 5 मिनट रुकने के बाद 9:50 पर गुंटूर से निकलेगी। तीसरा होल्ट एक ओंगले में लेने वाली है जो कि ये ट्रेन 11:09 पर पहुंचेगी और सिर्फ 1 मिनट रुकने के बाद 11:10 पर ओंगले से निकलेगी। और चौथा और लास्ट होल्ट एक नेल्लोर पर लेने वाली है जो कि ये दोपहर 12:29 पर पहुंचेगी और सिर्फ 1 मिनट रुकने के बाद 12:30 पर नेल्लोर से भी निकलेगी और फाइनल डेस्टिनेशन तिरुपति दोपहर 2:30 पर पहुंच जाएगी। और अगर हम बात कर ले तिरुपति से सिकंदराबाद की ओर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का नंबर और टाइम टेबल के बारे में, तो इस ट्रेन का नंबर होने वाला है 20702 जो कि तिरुपति से सिकंदराबाद की ओर जाएगी। तो ये ट्रेन तिरुपति से दोपहर 3:15 पर छूटेगी और पहला होल्ट नेल्लोर में लेगी जो कि ये शाम 5:20 पर पहुंचेगी और सिर्फ 1 मिनट रुकने के बाद नेल्लोर से निकलेगी। दूसरा होल्ट ओंगले पर लेने वाली है जो कि ये शाम 6:30 पर पहुंचेगी और सिर्फ 1 मिनट रुकने के बाद ओंगले से निकलेगी। तीसरा होल्ट गुंटूर पर लेने वाली है जो कि ये शाम 7:45 पर पहुंचेगी और 5 मिनट रुकने के बाद गुंटूर से निकलेगी। और चौथा और लास्ट हो नालगोंडा पर लेने वाली है जो कि रात 10:10 पर पहुंचेगी और 1 मिनट रुकने के बाद 10:11 पर नालगोंडा से डिपार्चर लेगी और करीब 11:45 पर अपने फाइनल डेस्टिनेशन सिकंदराबाद पहुंच जाएगी। और ये सारी जानकारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जी किशन रेड्डी जी द्वारा निकल के आया है जो कि सिकंदराबाद के सांसद भी हैं। दोस्तों, 8 अप्रैल को पीएम मोदी सिकंदराबाद को विजिट करने वाले हैं और इस वंदे भारत ट्रेन के साथ कई नए नए परियोजनाओं को भी इनॉग्रेट करने वाले हैं। और दोस्तों, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन के अलावा 2 और नई वंदे भारत ट्रेन भी काफी जल्दी साउथ को मिलने वाली है। एक ट्रेन काचीगुड़ा से हैदराबाद के बीच में चलेगी और दूसरी ट्रेन बेंगलुरु से सिकंदराबाद और पुणे के बीच में चल सकती है। तो साउथ को वंदे भारत ट्रेन का सौगात भर भर के आने वाले भविष्य में मिलने वाला है। तो अगर इसके इनॉग्रेशन 8 अप्रैल 2023 को होता है तो हमारी देश की यही 12th वंदे भारत ट्रेन भी होने वाली है। और दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि दिल्ली अजमेर वंदे भारत ट्रेन में कुछ टेक्निकल इशू आ जाने के कारण वो
वो ट्रेन अभी तक डिले हुआ है और कुछ और ज्यादा समय तक उसको डिले किया जा सकता है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू उस ट्रेन में आ चुके हैं और इसी वजह से शायद 8 अप्रैल 2023 को सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर दिया जाए और यही हमारी 12th वंदे भारत ट्रेन भी हो सकती है। और जितने भी टाइम टेबल और नंबर इसके बारे में मैंने आपको बताया उसमें आगे आपको बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, आगे इसमें रेलवे चेंजेस भी कर सकती है। तो यही थी हमारी 12th वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन का अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।